नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसा एक प्रीमिक्स पाउडर का हलवा बना कर रख देंगे कि एक बार बना लिया तो हम 2 से 3 महीनों तक इसका एंजॉय कर सकते हैं। हम इसे सर्दियों में या फिर बारिश में भी एंजॉय कर सकते हैं। और जब डिलीवरी के बाद एक माता को बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड दिया जाता है, उसके लिए भी तो ये बहुत ही गुणकारी और औषधियों भरा ये हलवा है। तो आगे बढ़ते हमारे ये हलवे की रेसिपी की तरफ। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। रोज नए वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करना तो बनता ही है। यहाँ पर हमने 1 कटोरी भर के अखरोट ली है। अखरोट के फायदे तो हम सभी जानते हैं। और सेम 1 कटोरी हमने यहाँ पर बादाम लिए और उससे थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर मगजतरी के बीज लिए हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है 7 से 8 काले मिर्च के दाने। अब हम इन सारे नट्स को पानी में भिगोकर 5 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे तो ये काम रात को करके रख सकते हो और आप देखोगे कि सुबह तक एकदम ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस तरह से हम बादाम के ना छिलके हटा देंगे। आप इसी के साथ 2 से 3 चम्मच खसखस जो आती है उसको भी भिगोकर ले सकते हो। पर ये नेचुरली जो हम देखने जाएंगे तो पहले के ज़माने के जो है अखरोट और बादाम के साथ ही ज़्यादा करके ये हलवा बनाकर रख देते थे। बस हमने भिगो कर रख लिया है और हमने यहाँ पर छोटा वाला मिक्सर का जार लिया, उसके अंदर हमने ले लिए ये खरबूजे के बीज और हमारे भिगे हुए काले मिर्च के दाने। हमें यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करना है। पहले हमने खरबूजे के बीज को पीस लिया ताकि उसके अंदर हमारे काले मिर्च भी अच्छे से पिस जाए। यहाँ पर ज़्यादा काली मिर्च हमें नहीं लेनी है। देखिए, हमने इस तरह से इसकी स्मूथ पेस्ट बना ली है। हमें ज़रूरत पड़े तो सिर्फ 1 चम्मच तक ही पानी का यूज़ करना है। यहाँ पर हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर घी ले लिया है, क्योंकि सारे जो नट्स हैं ना हमारे यहाँ पर 2.5 कटोरी के जितने हैं। तो यहाँ पर ये सारा जो पेस्ट हमने बनाई है ना, तो उसको हम ये घी के अंदर सोते करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे। और बिल्कुल धीमी आँच पर हमें इसको बहुत ही सुनहरी कलर आने तक भुनना है। ये काम हमें स्लो गैस पर कम से कम 25 से 30 मिनट तक करना है भाई। हाँ भाई हाँ, ये काम बहुत ही पेशेंस से होता है और बहुत ही धीमी आंच पर किया जाता है। वो कढ़ाई जो है उसमें मेरा थोड़ा सा ये हलवा जल रहा था तो मैंने ये कढ़ाई को चेंज कर दिया है। और देखिए, सफ़ेद में से ये ऑलमोस्ट गोल्डन कलर तो हो चुका है, पर अभी भी ये कच्चा है। ब्राउन कलर आने तक मैंने इसे भुन लिया है। और यहाँ पर मैंने घी की मात्रा आप देख सकते हो कि ये ड्राई है ना, इतना रखा है। और जो पहाड़ी इलाकों में है ना, वहाँ पर इसमें घी बहुत ज़्यादा भर के रख देते। तो यहाँ पर ये हमारे हलवे का प्रीमिक्स तो तैयार है। इस तरह से ये प्रीमिक्स बनाकर आप फ्रिज में आराम से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हो। और ज़्यादा जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर तो 3-3 महीने तक इसको स्टोर करके रख देते हैं। भाई ये एकदम अच्छे से बुनाई वाला काम तो हो ही चुका है। और बस जब मन किया हमने यहाँ पर 1 कप जो है दूध ले लिया। दूध के अंदर हमने यहाँ पर ले लिया हमारे 2.5 से 3 चम्मच के जितना ये हमने जो हलवा का प्रीमिक्स बनाया है वो। और बस दूध के अंदर अच्छे से हमको इसको पका लेना है। भाई बुनाई का काम तो हमने पहले ही कर लिया, अच्छे से सीख गया है। तो अब यहाँ पर दूध के साथ ये हमारा हलवा अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि टेस्ट के लिए 1/4 टीस्पून के जितना मैंने इलायची पाउडर ले लिया है, क्योंकि बहुत सारे नट्स के बेनिफिट्स तो हम सभी को पता ही है। और इनके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो वो काम हमें नहीं करना है। और मिठास के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 2 चम्मच गुड़ का पाउडर। आप चाहे तो नॉर्मल जो गुड़ होता है वो भी ले सकते हो। बस ये काम है ना, लास्ट में जो दूध वाला काम है वो हमें 5 मिनट के अंदर ही तैयार होकर मिल जाएगा। देखिए एकदम परफेक्ट, ना तो हमको इसके अंदर कोई और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है और ना कोई इसके लिए डेकोरेशन करना है। तो तैयार है हमारा ये गर्मा गर्म हलवा। ये सुबह में उठकर अगर 1/2 कप हमने खा लिया ना, छोटे बच्चे हो या बड़े, अगर ये बचपन से खा लिया ना तो बुढ़ापे तक कोई भी बीमारियां नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और हम सब ये गुणों के वाकिफ है, तो ये हलवा एक बार बनाना तो बनता ही है। तो मैं तो यही रिक्वायरमेंट आपको करूँगी कि ये हलवा आप बनाइए और आपको कैसा लगा
आप भी खाइए और अपने घर पर सभी को खिलाइए और सभी को तंदुरुस्त रखिए।